हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइज, बेसिकली ये जो व्लॉग है ये पहले का व्लॉग है। एंड गाइज, पहले मैंने इस व्लॉग को शूट तो करा था बट मैंने अपलोड नहीं करा बिकॉज ये व्लॉग काफी ज्यादा पर्सनल है, काफी ज्यादा प्राइवेट है। एंड मैंने शूट तो कर लिया था, ये एक दो तीन दिन का ये व्लॉग है। एंड मैंने शूट तो करा बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये व्लॉग अपलोड कर दूंगा तो भाई मतलब बहुत ज्यादा ये चीज ऐसे हो जाएगी कि गाइज मतलब बहुत ज्यादा पर्सनल एंड प्राइवेट हो जाएगी। बट गाइज, मैंने सोचा कि इस व्लॉग को अपलोड करना चाहिए बिकॉज जो प्रॉब्लम मेरे छोटे भाई, आप लोगों के छोटे भाई, आप सबका छोटा भाई, हमारा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, ओम भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान के साथ जो हुआ है, ये क्या पता आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ हुआ हो, उनके बच्चों के साथ हुआ हो या किसी के साथ हुआ हो, तो वो रिलेट कर पाए, हमको भी एडवाइस कर पाए। और गाइज, हम तो इस लड़ाई से लड़ी रहे हैं और साथ ही साथ जिस किसी के साथ ये दिक्कतें हो रही है एंड वो अपनी फैमिली से शेयर करने में शर्मा रहे हैं, तो गाइज इस व्लॉग को देख के अपनी फैमिली के साथ अपनी दिक्कतों को शेयर करा करो। अगर आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, आपकी इंटरनल फीलिंग के साथ कुछ चीजें हो रही है तो उसको अपने तक मत रखो, अपनी फैमिली तक उसको लेके जाओ। ये व्लॉग एक वो ही मॉरल पे, उसी वैल्यू पे बनाया गया है कि कितनी ही बात क्यों ना हो जाए, अपनी फैमिली से किसी बात को मत छुपाओ। तो इस व्लॉग में जो हुआ है वो अभी आप देखो एंड बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, वो ओम भाई के साथ जो हो रही है वो भी आप सब देखो एंड उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं या फिर हम क्या क्या कर रहे हैं वो सब आप देखो। गाइज, काफी ज्यादा पर्सनल है बट गाइज मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को आप लोगों के सामने लेके आऊँ, आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप इस वीडियो को, इस व्लॉग को पूरा देखो। दर्द कहाँ पे हो रहा है? हैं? बता तो दिया। कहाँ पे है दर्द? प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अबे नीचे। नीचे कहाँ पे? नीचे यार, नीचे। अबे नीचे कहाँ पे? अबे नीचे जो होते हैं फिर अपने। क्या अपने? जो होते हैं दो। अबे क्या दो? टांग होती है दो भाई, पैर होते हैं दो, अंगूठे हो उस ऊपर। प्रॉपर बता भाई, शर्मा मत। अरे अंडों में दर्द, टेस्टिकल्स होते हैं ना जो है? टेस्टिकल्स होते हैं जो, टेस्टिकल होते जो हो रहा है, जो दो। अरे व्लॉग क्यों बना रहे हो यार? व्लॉग थोड़ी कर रहा हूं। अरे व्लॉग मत बनाओ यार इस चीज का यार, पागल हो क्या यार? व्लॉग मत बनाओ यार भाई, दिमाग खराब है क्या भाई? ये मेन चीज है। क्या है मेन चीज? व्लॉग मत बनाओ भाई। भाई ये ना, अगर तू बातें करेगा ना भाई, अगर तू बातें करेगा ना ऑन कैमरा, तो लोग ना, जो लोग शर्माते हैं बात करने से अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, तो वो बातें बाहर आएगी भाई। अगर तेरे दर्द हो रहा है ना बॉल पे, वो बातें तो बाहर आएंगी, मेरा बाहर जाना बंद हो जाएगा। लेकिन है? मत करो यार। क्या हो गया भाई? अगर दर्द हो रहा है तेरे बॉल्स में तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बॉल्स में दर्द है? एक में, दोनों में? एक में। कौन सी वाली में? क्या देखोगे क्या अब? क्या करना है? कौन सी वाली में? अरे पागल हो क्या यार? कौन सी वाली में? अरे वो लड़के यार, क्या दिखा तो दे। कौन सी वाली? अजीब हरकत क्यों कर रहे हो? कौन सी? अबे कौन सी वाली बॉल में है? क्यों जानना है आपको कौन सी वाली बॉल में है? बस बॉल में। तुम मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो? फिर क्या, यही रह गया प्रैंक करने को ना, यही रह गया प्रैंक करने को। पापा मम्मी, एक दुविधा हो गई है बहुत बड़ी। हाँ, तो बोल बोल। अभी तो क्या है? दुविधा सुन। दुविधा होता है? दुविधा है पापा मम्मा, एक बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। तुम दोनों ही सबसे बड़ी दुविधा हो इस घर की। मम्मा ये बात मुझे ओम ने अभी शेयर करी बस, और वो बात बहुत सीरियस है। आप लोगों को मजाक लगेगा लेकिन वो बहुत सीरियस बात है अपने आप में। फिर कोई प्रैंक करना है क्या? प्रैंक नहीं है पापा, मम्मी तो पापा दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे अगर प्रैंक करा तो। कोई प्रैंक नहीं है, वो रियल में प्रैंक हो गया इसके साथ। मम्मा मत कर मेरा। अरे सुन तो लो बात। सुनती अभी काम भी करने दे मेरे। कोई सुनने को राजी नहीं है बात को। पापा सुन तो लो बात क्या है यार, मेरे को लेट हुआ, जल्दी होता क्या हो गया? बात ये बताएगा ओम। हंस क्यों रहा है भाई तू? इतनी सीरियस बात है? सीरियस तो क्या हुआ? वो मेरे दर्द हो रहा है। हाँ। नीचे। हाँ? नीचे। कहाँ नीचे? नीचे। वो नीचे कहाँ? अरे नीचे। कहाँ? कहाँ नीचे भाई? पाँव हो रहा, घुटने हो रहा। घुटने से थोड़ा सा ऊपर। हाँ। और ऊपर आओ। सुसु में? अबे क्या बोल रहे? वहाँ नहीं हो रहा है। हाँ। थोड़ा सा साइड में जाओ। बता रहा क्या हो गया? अरे यार भाई बताएंगे। पापा
जल्दी बोल, मेरे को निकलना यार, जल्दी कर। सुसू होता है, अंडे होते हैं, इसके अंडों में दर्द हो रहा है भयंकर। क्या बोलते हो कभी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? टेस्टिकल बोलते हैं, टेस्टिकल। क्या कैसे दर्द हो रहा है? सब तो उस... दर्द के लग गई बॉल। क्या ये सबको होता है? आपको भी होता है? होता है भी, क्या हो गया उसमें? ये बॉल लग गई खेलते ना, तो क्या ज्यादा दर्द है? डॉक्टर को दिखाला इसको है। पापा मतलब मुझे लगा कि मजाक कर रहा है ये, लेकिन मजाक नहीं कर रहा है, ये हंस रहा है ना, लेकिन इसका बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। अबे मतलब भयंकर नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन कब कब से हो रहा है ये? हो रहा है तीन चार दिन से। तीन चार दिन से? तीन चार दिन से। हाँ, तीन चार दिन से। कितना? तीन चार दिन। तीन चार दिन से पेन हो रहा है। तो कैसा पेन हो रहा है? ज्यादा दर्द है? ज्यादा नहीं है बेटा। प्रोटीन रोटीन मत खा, किडनी इडनी में कहीं। ये जो फालतू की चीजें खा रहा है, जो ले रहा इंटेक है, किडनी में दिक्कत आती है तो उसकी वजह से भी होता है, मैं बता दूं। मिडिल क्लास हाउस होल्ड, जो भी चीज भाई, सर दर्द हो रहा है, प्रोटीन मत खा। पेट में दर्द है प्रोटीन की वजह से भाई, प्रोटीन को इतना बदनाम कर दिया है। घर का नेचुरल खाना खा, जैसे प्रोटीन स्टीरॉइड्स है ना। मुहम्मद कर सलाद खा, सूप पी घर में, मिक्सिंग में सूप, वो कैरेट वैरेट का बना ले मिक्सर, उसका जूस बना, यही चीजें खा। ये जो पाउडर पाउडर खा ना, गोलियां सोलियां है, गोलियां को गोलियां कौन सी खा रहा हूँ? गलत समझेंगे लोग, गोलियां का पानी। मम्मा दर्द हो रहा है नीचे? नीचे कहाँ? अंडों में, अंडे निकाल के। आपको पता है एक अंडा, एक अंडा कितने का आता है? एक अंडा 3 करोड़ का है। अरे वाह, एक अंडा बेच के सारी EMI चुका देंगे। पूरी पूरी बॉडी का जो, पूरी बॉडी का जो पार्ट्स है ना, पूरी बॉडी की कीमत कितनी आदमी होता है? गूगल में सर्च करना, 475 करोड़ पूरी बॉडी की। 475 करोड़ नहीं, 4 करोड़ 75 लाख है, 4 करोड़ 75 लाख होगा पापा। अंडे अंडे 6 करोड़ के होते हैं दो, तो मेरी बात सुनो ना, इसका एक अंडा बेच दो। अरे मजाक वाली बात नहीं है पापा, ये सीरियस बात है। मैं क्या करूं फिर, इसको ले जाना डॉक्टर को दिखाना, मैं अभी टाइम नहीं है ना इसको, भैया डॉक्टर उसको क्या नाम है, त्रिलोचन डॉक्टर को दिखा दे, जा दिखा ला इसको। पापा अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसके अंडे का ट्रांसप्लांट होगा तो क्या करेंगे? अरे फालतू की बात मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर को दिखा ला। कभी कभी हो सकता है कि अंदर कुछ दिक्कत हो रही हो, जो तू खा रहा ना, खान पीन से फर्क पड़ता है, किडनी विडनी में लोड आ रहा होगा, तो हो सकता है कि यूरिन प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर पास हो रहा है है? हाँ। ये रुक क्या रहा है? ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी मुझे फोन करना। नहीं तो मैं कह रही हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, निकाल के उखाड़ के फेंक दो। किसी जल्दी आओ, किसी किसी चलो, किसी चलो, किसी 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 शाबाश, गुड गुड बॉय, मैं अभी आ रहा हूँ, किसी को चलो आने आ जाए, किसी को बेटा मैं जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो, शाबाश गुड बॉय, या भी करो आप क्या करे हो? इसको देखो, ये कितना बदतमीज हो चुका है, ये कितना बदतमीज बच्चा बन गया मेरा, कितना बदतमीज हो गया, ये कितना बदतमीज हो गया, देख कैसे डर रहा, देख देख कितना बदतमीज हो गया। उसे भी पता है मम्मी मारेगी तो नहीं, मम्मी सिर्फ डराती है, मम्मी सिर्फ डराती है, मम्मी तो मारती नहीं है, है ना, है ना। अब गंदी बात नहीं, मैं मारूंगी थप्पड़ मुंह में, हाँ फिर पीट दूंगी मैं, बैठो सिर्फ। क्या कह रहा था तू बता, दाने भी हो गए तेरे मुंह में, एक्ने होने लग गए, फर्स्ट टाइम फेस वॉश नहीं करता ढंग से, मुंह ऐसा पिचक किया गया तेरा इतना, हैं मुंह में बिल्कुल ही गाल ही नहीं है तेरे, तो अंदर चले गए गड्ढे में है बेटा, क्या परेशानी हो रही, क्या कह रहा था तू, क्या एग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कह रहा था? अरे दर्द टाइप का हो रहा है। दर्द क्या मतलब, मजाक कर रहा है या सीरियसली बोल रहा है? मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सच में। मतलब दर्द चलने में हो रहा है या जब तू बैठा हुआ है तभी भी दर्द हो रहा है तेरे को? जब पता नहीं कब हो रहा है। एक्सरसाइज भी करता है ना बेटा, तो एक्सट्रीम वाली एक्सरसाइज करता है, लेग एक्सरसाइज करता है, नसों का ही तो खेल है सारा, कोई नस खींच सकती है, क्या पता हो सकता है ना। तो तेरे को क्या लग रहा है, मतलब कि इतना सीरियस है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए या बिना दिखाए ठीक हो जाएगा? दिखा लेते हैं, दिखाना चाहिए, सच बोल रहा है ना, और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, दिखा ले, और मजाक मत करना, प्रैंक व्रैंक मत करना, नहीं तो फिर आपकी बार तो मैं छोड़ूंगी, आपकी बार तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, प्रैंक नहीं है, सच्ची बात है। तो दिखा ला इसको, तो पेन हो कैसा रहा है? चलने पे हो रहा है, दौड़ने में हो रहा है, बैठने में हो रहा है, हो रहा है बाथरूम में हो रहा है या फिर जिम में हो रहा है, करने में हो रहा है, एक्सरसाइज में हो रहा है, चलने में हो रहा है, कैसा मतलब, जैसे जैसे किसी ने चोट मार दी होती दुखता है वैसा हो रहा है, जैसे सपोज बॉल लगती है, उतना भयंकर थोड़ी हो रहा है, तो प्राण निकल जाते हैं, बहुत प्राण निकलते हैं, प्राण निकल जाते हैं, लेकिन हो रहा है मतलब नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए ना, लेकिन क्यों हो रहा है? तो दिखा ला इसको, पेन हल्का हल्का हो रहा है। तू डॉक्टर मत बन, तू क्यों डॉक्टर बने, हल्का हल्का बेड़े बेड़े छोड़ा छोड़ा, दिखा ला उसको,
नहीं पेन कम है ज्यादा है अगर बॉल लगती है टेस्टिकल्स में तो वो जो एक्सट्रीम पेन होता है उससे कितना कम होगा? इसके आगे लगा दो डॉक्टर दिव्यांश पांडे। हाल तो मेरे से मत बोलो मैं आपको मार दूंगा वरना। हैं? इसके एक मुक्का मार दे इसको पता चल जाएगा फिर कितना हो रहा है। मम्मा गलत बात कर रहे हो ना फिर आप। क्यों नहीं कर रही हूँ? बड़ा भाई है उसका मैं। तू बड़ा भाई है तू मैं तेरे से बड़ी हूँ ना मैं उसकी माँ हूँ ना। क्या कर रहा है? इसने दुखी कर रखा है मुझे। क्या हो गया? तेरे अंदर में भी दर्द हो गया है? उसको मार दिया मम्मी ने यार। आज तुम मम्मी ने मार दिया है। मम्मा सुनो बकवास मत कर। इधर आओ इधर आओ। अगर ट्रांसप्लांट कराने होंगे तो क्या? पागल है क्या बच्चा? देख मजाक की बात अलग होती है ना। हर समय मजाक नहीं करता। मैं इसको अपना एक अंडा दे दूंगा। आपका है खुद पहले बताओ। मैं इसको अपना एक टेस्टिकल दान दे दूंगा। सो गाइज अभी फाइनली पहुंच चुके हैं मार्केट में भाई और अभी हमको जाना है हॉस्पिटल और ओम के गाइज दिक्कत हो गई है बहुत ज्यादा तो अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो अभी देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ओम भाई कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगेगा यार मैं क्या पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ इधर। नहीं तबीयत दिक्कत कहीं और ही है ना। पहले तो आपने कहा था कि कुछ इन्फेक्शन है।
फाइनली गाइज अभी हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। अबे ये हटाओ, ये मत दिखाओ। अबे अपने लिए थोड़ी ले रहा हूँ यार, भाई के लिए ले रहा हूँ, छोटे नैतिक के लिए ले रहा हूँ यार। अबे इतना झूठ बोल रहा है गाइस, हॉस्पिटल से आ रहा है और ये देखो भाई, तभी हो रही है इसको समस्या। अबे भाई मैं तभी इसको समस्या हो रही है गाइस, देखो थोड़ी थोड़ा सा चीट चलते रहे, चीट कर करके तेरा ये चीट हो चुका है भाई। मैं महीने में एक बार पीता हूँ, आपकी तरह नहीं कि भयंकर रोज पी रहा हूँ, समझे। मैं रोज पी रहा हूँ ना, एटलीस्ट मैं सही तो हूँ। तू तो भाई बहुत जल्दी बिगड़ जाओगे, तू तो भाई रोज पियोगे बहुत जल्दी बिगड़ जाओगे, कुछ नहीं होगा। तू तो भाई रोज भी नहीं पी रहा है, कुछ नहीं होगा। तू तो भाई रोज नहीं पी रहा हूँ, मेरा फ्लेक्स है कि मैं रोज नहीं पी रहा हूँ। महीने में एक बार फ्लेक्स है, कांड तो हो गया ना, महीने में एक दिन कांड तो हो गया, महीने में एक दिन मेरा चीट डे रहता है भाई। चीट डे का फायदा है क्या भाई, जब तेरा यही बोल गया है तो फिर क्या फायदा, बंद करो इसको। पापा आ गए डॉक्टर के पास से, आ गए दिखा के उनको ले आया। क्या खबर है, क्या न्यूज है? न्यूज ये है, उन्होंने बोला है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है एब्डोमेन का, एब्डोमेन बॉडी का मतलब लोअर बॉडी का, पेट से नीचे। क्या है? क्या है? वो अल्ट्रासाउंड। अच्छा फिर क्या दिक्कत, क्या गया? है दिक्कत, अल्ट्रासाउंड देख के पता लगेगा, ये दिक्कत होनी नहीं चाहिए कह रहे वो, बट इन्फेक्शन है क्या है, एलर्जी है क्या है, तो उसके लिए पहले अल्ट्रासाउंड। क्या कहा डॉक्टर ने, बता चोरी का डॉक्टर को, यही दर्द हो रहा है करके। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड? तो कब अल्ट्रासाउंड है? कल, कल जाना है। तुमने तो बता रहे ना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? नहीं हम लोगों को बताएंगे ना रिपोर्ट के बाद, बताएंगे रिपोर्ट के बाद। दवाई दी है, दवाई ली अभी, और रिपोर्ट के बाद जो अपडेट आएगा बताएंगे। वो कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, कोई इंटरनल दिक्कत तो नहीं है, किडनी का करा रहे, हार्मोनल चेंज तो नहीं है, किडनी भी है, किडनी भी है, एब्डोमेन में किडनी सब आता है, किडनी वगैरह, किडनी, पैनक्रियाज शायद, और वो गॉल ब्लैडर सब आता है। ध्यान दे भाई, तो पूरी रिपोर्ट आएगी कल, तो ध्यान दे, प्रोटीन आएगा वहां से सब लिखा, कितना प्रोटीन खा रहा, कितना क्या खा रहा। हां प्रोटीन खा रहा है ये, फिर वही प्रोटीन के पीछे तो ऐसे पड़ जाते हैं सर, जैसे जहर होगा। लेकिन देखो अच्छी बात है कि इसने बताया है, रात के 11:30 बजे खाना खा रहा है, एक दिन खाया, एक दिन रात को, सुबह दिन में 12 बजे तक सोया रहता है, रात को 1 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है, कैसे इसका जीवन कटेगा? मैं रोज स्कूल जाता हूँ, कहाँ सोता हूँ 12 बजे तक, सुबह छुट्टी के दिन सोता हूँ। बेटा ऐसा ना, अभी मेरी कही हुई बातें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब समय निकल जाएगा तब तुम्हारे समझ में आएगी बात सारी, क्योंकि बात सेंसिटिव इसलिए है ना, क्योंकि बात वो जेनिटल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है, बात उसकी नहीं है ना, बात चलो तो दिक्कतें आती हैं ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अपना तुमको अपना दिनचर्या को तो शेड्यूल तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई। शेड्यूल तो बढ़िया है, कभी साला सुबह को कोई जिम जा रहा है, कोई रात को 9 बजे जिम जा रहा है, कोई रात को 12 बजे खाना खा रहा है, कोई रात को 2 बजे तक वीडियो में लगा हुआ है, मोबाइल पर लगा हुआ है, कोई सोने का टाइम नहीं, कोई उठने का टाइम नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, तो ऐसे तो आज नहीं तो कल तो दिक्कतें आनी है। सही बात है, और खैर साला मेरे पिताजी गद्दे पे हैं, मैं वीडियो देखा था। मम्मा बेटा अभी डॉक्टर के पास दिखा दिया उनको, अच्छी बात है। हाँ क्या, और डॉक्टर ने कहा कि वो कराना है अल्ट्रासाउंड, तो करवाना इसका, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे इसका कल, और फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है।
बाकी कह रहे हैं कि एलर्जी इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो देख रहे हैं, हो सकता है ना, तो वो कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, हो जाएगा। हाँ, तो मैं तो खुद ही कह रही हूँ डरने की कोई बात नहीं है। ओम भाई कोई बात नहीं डरने की भाई, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाकी गाइज अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। गाइज ये ब्लॉग डालने से पहले गाइज ओम काफ़ी शर्मा रहा था कि गाइज कि कमेंट आएंगे कि भाई ओम को ये दिक्कत हो गई, वो हो गई, ये हो गया, ओम के दोस्त में, ओम के फ्रेंड सर्कल में क्या होगा, क्या कहेंगे उसके दोस्त उसके बारे में। लेकिन भाई ओम ने कहा कि भाई कोई बात नहीं भाई, आप डालो इस ब्लॉग को, ये ब्लॉग अगर मेरे साथ साथ और लोगों को भी मोटिवेट करता है अपनी फैमिली से बात करने के लिए, बात करने में, तो अगर मेरी वजह से अगर दो लोग भी अपने फैमिली से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली तक पहुंचा पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे ब्लॉग देख के, तो बिल्कुल इस ब्लॉग को अपलोड करो। मैं तो ठीक होऊंगा कह रहा हूँ, एंड साथ में गाइज बहुत लोगों को ठीक करके जाऊँगा, बहुत लोगों को ठीक करूँगा, ओम ने कहा ऐसा। और बाकी गाइज अभी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि ओम ठीक हो जाए गाइज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, फिर डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे, एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है, ओम को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, सीरियस है, क्या है क्या नहीं है, बिकॉज द मेन जेनिटल ऑर्गन में ओम की दिक्कत हो रही है, पेनिस में दिक्कत हो रही है, टेस्टिकल में दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है यूरिन में, एंड साथ ही साथ सेंसेशन हो रही है पेनिस में, तो बहुत दिक्कत है। तो बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, एंड बाकी होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर ओम कि ओम अच्छे से कम बैक करे एंड ठीक हो जाए, एंड वापस से वही हंसता खेलता चेहरा ओम का आ जाए। ओम गाइस शर्मा रहा है बहुत, लेकिन वो हंसी से अपने शर्माहट को दूर कर रहा है, वो हंस रहा है बट वो बहुत डरा हुआ है, प्लीज़ उसको मोटिवेट करना, एंड कमेंट सेक्शन में ओम के लिए बेस्ट विशेज लिखना, एंड ओम को मोटिवेट करना गाइस, थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया, चेहरे पे स्माइल है, अपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल सुबह, टिल देन गुड बाय, टेक ऑल द बेस्ट एंड लिव लाइफ एज मच एज यू कैन, कल सुबह तैयार है ना, टिल देन बाय।